ओम शांति। आज की तारीख है 4/9/22 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 1/4/92 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। कौन सी दो बातें? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आइए सुनते हैं बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे की अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। अब क्या अंतर है? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं और बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति के द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से और स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का बहुत ही प्यार भरे टाइटलों से भरे हुए याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाबा बोले, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा वरदान। तो वरदान है, लगाओ के सूक्ष्म धागों को। धागा तो कितना पतला होता है, तो लगाओ के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले फरिश्ता भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं होता है। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान करने देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।